पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़े या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़े। तो आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है, आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूँ। अरे वो आतंकवादी है, वो कहता है कि सुनिए, हाँ मैं कह रहा हूँ सुनिए दोबारा, आतंकवादी है। हमने कभी उनको आतंकवादी न कहा न कहेंगे। उनका बेटा केजरीवाल आतंकवादी नहीं, कट्टर देशभक्त है, कट्टर देशभक्त। दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने, आई लव यू। मैसेज क्या आप कह रहे हैं कि ये जो जीत हुई लगातार, लगभग पिछली बार जैसी ही जीत है इस बार भी, तो क्या आप मैसेज क्या है इस जीत से और क्या इस जीत के मायने हैं? मैसेज साफ है कि आपस में लोगों को धर्म और जाति में लड़ाना ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद देशभक्ति इस बात में है कि हम देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं, उनके बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तब तिरंगे की आन बान शान बनती है। तिरंगे की अनबान शान इस बात से नहीं बनती कि हम हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से एक दूसरे से डरा के लड़ाते रहें, इस बात से बनती है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर रहें और सब बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई इन सब की व्यवस्था करें। एक क्या आपको लगता है कि बीजेपी कुछ कामयाब हुई है ध्रुवीकरण करने में, जैसे आप बता रहे हैं अब 62 सीट आई है आम आदमी पार्टी की, अब बीजेपी कहाँ कामयाब हुई है ये बीजेपी तय करे। मनीष जी की पत्नी है सीमा सिसोदिया, मैम वो क्षण बताइए वो आप पे क्या गुजर रही थी जिस समय ट्रेल कर रहे थे मनीष जी? मैंने फिर लोगों से यही अपील किया था कि आप अपनी झाड़ू से पहले झाड़ू लगाएं, उन लोगों ने थोड़ा लेट लगाई। लेकिन किसी पल में ऐसा भी लगा कि शायद ना जीत पाए, ऐसा भी था कहीं? नहीं, फिर लास्ट में तो अच्छा लगा था, बीच में तो लग रहा था थोड़ा सा, ऐसा नहीं, थोड़ा लेट लगाई झाड़ू। लेकिन मतलब वही जानना चाह रहा हूँ मैं, वो पल क्या थे, बड़े मुश्किल पल रहे होंगे? हाँ थोड़े से मुश्किल थे सर, वो पल आपके लिए मुश्किल रहे होंगे कि? मुझे क्योंकि मैं पूरी विधानसभा को जान रहा हूँ, एक एक बूथ को जान रहा हूँ, मुझे हाँ। पता था कि कहाँ से मुझे ज्यादा वोट मिलेगा, कहाँ से कम मुझे वोट मिलेगा, इसलिए हाँ। मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी। हाँ निश्चित रूप से एक वो तो रहता ही है कि यहाँ से वोट कम रह गए, यहाँ से ज्यादा रह गए, लेकिन अंत तक आते आते जीत होगी ये मुझे पूरा भरोसा। एक आखिरी सवाल, अब जब सरकार अब शुरू होगी, अब ये 3.0 में आएगी सरकार, तो यहाँ हम क्या होता देखेंगे या किस तरह से होता देखेंगे, कुछ आइडिया दे सकें? हालांकि बहुत जल्दी है ये बात करना, वैसे जब आपको पता ही है जल्दी है तो फिर बाद में बात करेंगे।